नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हरजीत सिंह जी। लगातार आप देखते हैं जम्मू की जनता की जब भी कोई बात आती है, उनको परेशानी होती है, तो ये शाना बेशाना जनता के साथ खड़े हुए पाते हैं और प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक आम जनता की गुहार लगाते हैं। पर जिस तरह के हालात हैं, एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है कि काफ़ी सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ, आखिर 10 लाख का खाना खाया किसने, आखिर 10 लाख का है क्या मसला, इसी के बारे में जानेंगे हरजीत सिंह जी। और आज की मौजूदा हालात में और आने वाले असेंबली चुनाव जो होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, जाना चाहेंगे हरजीत सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 लाख का खाना, 10 लाख का खाने का, देखिए मुझे समझ नहीं आती है कि इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है इस बात को लेकर, इतना हंगामा क्यों है। 10 लाख ही तो है, ज़्यादा नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने ये कहा जाता है कि बेटे की शादी थी और 10,71,000 रुपया वो सरकारी खजाने से, तो कौन सा तूफान आ गया जम्मू कश्मीर में। क्या ये 10 लाख रुपए ही जो सरकारी खजाने से निकला है किसी प्राइवेट फंक्शन के लिए, मुझे बताइए रश्मि जी। जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से मौजूदा निज़ाम ने लूट लिया है। अगर आप देखें, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, कितने बड़े बड़े पैमाने के ऊपर स्कैम हुए, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को तो टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, आपको लगा टारगेट उनकी व्यक्तिगत, एक पर्सनल, उनकी। मैं ये कहूँगा, जहाँ कई कई हज़ार करोड़ रुपए के स्कैम हो गए, वहाँ 10 लाख के ऊपर शोर क्यों, उनको बाकी स्कैम्स की बात क्यों नहीं हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर आप देखें, सबसे पहले CAG की रिपोर्ट देखें आप, 2017-18 की जो BJP और PDP की हुकूमत थी, उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, अशोक महेश, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, जो उसमें कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए की फजिंग हुई है। कितना? 10 करोड़ रुपया। और जब भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होती है, लेकिन असेंबली तो ये इलेक्शन करवा नहीं रहे हैं। असेंबली में फिर एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जिसमें ये जाता है और जिम्मेदारी फिक्स की जाती है कि CAG रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं धांधलियों के, फ्रॉड्स के, स्कैम्स के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। ना कोई असेंबली यहाँ बनाई गई, ना कोई कमेटी का गठन हुआ और ना ही उस संदर्भ में कोई भी इंक्वायरी की गई। 10,000 करोड़ रुपए का जो स्कैम बनाया था और वो रिपोर्ट जो थी उसको सीधे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया इस हुकूमत द्वारा। फिर 2018-19 में फिर CAG ने कहा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 8,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। बाकायदा डिपार्टमेंट्स के नाम भी CAG ने उसमें लिखे थे, जिसमें R&D, जिसमें एजुकेशन, जिसमें PHE, जिसमें इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जिसमें एस्टेट्स डिपार्टमेंट, सबके नाम लिए होते। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई और CAG की रिपोर्ट सीधी डस्टबिन में फेंक दी गई। 8,000 करोड़, कहाँ 10 लाख और कहाँ 8,000 करोड़। उसे क्यों हाईलाइट? और स्टेट डिपार्टमेंट का मैं कह रहा हूँ आपसे, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, एस्टेट्स डिपार्टमेंट में और क्या हो रहा है, कई 100 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीदा गया, फिक्सचर्स खरीदे गए, लगाए गए, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो खरीदे गए, TV, फ्रिज खरीदे गए, और वो किसको दिए गए, सरकारी खजाने से खरीद कर, वो BJP के जो MLA, ex-MLA हैं ना, उनको कोठियां देकर उनमें वो सरकारी खजाने से वो कई 100 करोड़ रुपए का सामान उनके रेजिडेंसेस के ऊपर पहुंचाया गया सरकारी खजाने से। कहाँ 400-500 करोड़, कहाँ 10 लाख रुपया। फिर सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा था कि किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए और इंश्योरेंस कैम के इंश्योरेंस करवाने के लिए 300 करोड़ उनको ऑफर किया गया था, 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, कहा इसकी कॉस्ट बढ़ा दो और हमसे पैसे ले लो। उन्होंने अलॉट नहीं किया, लेकिन किसने अलॉट किया,
और कितना उसमें गबन हुआ, कितना हेराफेरी हुई, कितना पैसा चला, वो आज तक ना तो किसी को पकड़ा गया है ना कोई बात हुई है। और उसमें ये कहा गया था कि इसमें बीजेपी से जुड़े हुए किसी शख्स का उन्होंने जिक्र किया था कि वो हैं और कुछ आला अधिकारी हैं, इसलिए उस संदर्भ में भी कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो मसला था वो ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन 10 लाख रोज चर्चाओं में है। 3500 भर्तियां जिनके बैंक में हुई और कहा गया था कि भारी पैमाने के ऊपर रिश्वत खोरी इसमें हुई है, किसी को नहीं पूछा गया, कोई एक्शन उस संदर्भ में नहीं लिया गया। 4000 SPOs बैकडोर से लगाए गए जम्मू कश्मीर में बीजेपी और PDP की हुकूमत में, और भारी पैमाने के ऊपर उसमें लेन देन हुआ, किसी को नहीं पकड़ा गया। जो जिन लोगों से इन्होंने काम कराया, अफसरों से, उनको बड़े बड़े अहदों के ऊपर बिठा दिया, कोई पूछ मांग नहीं हुई। एक शुगर का स्कैम हुआ था CAPD में, 9,23,00,000 रुपये का, बीजेपी की जब हुकूमत थी, किसी ने नहीं पूछा 9 करोड़ क्या होता है, जो 400 करोड़ क्या होता है। 10,000 करोड़ रुपए की चिंता नहीं है, लेकिन 10 लाख की चिंता है। गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने बेटे की मंगनी के ऊपर खर्चा किया है, पूरी रियासत को लूटा जा रहा है। इलेक्शन यहाँ क्यों नहीं करवाई जा रही है, इसलिए कि दिल्ली में बैठे हुए जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं वो अपने चहेतों को यहाँ बेचते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर बिठाते हैं, ऊंची ऊंची कुर्सियों के ऊपर बिठाते हैं, खूब लूट मार होती है, कुछ ये लेते हैं, कुछ हिस्सा वहाँ जाता है, और करोड़ों अरबों रुपए का गबन जो है वो लगातार हो रहा है। जम्मू कश्मीर को खोखला कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, मुकम्मल तरीके से लूट लिया है जम्मू कश्मीर को। जो पैसा अनाउंस किया जाता है वो सीधा जेबों में ही जाता है, बिजली के लिए, पानी के लिए, घर घर नलका लगा दिया है, किताबों में है कहीं नहीं। आज भी कुएं से पानी भरती हैं हमारी महिलाएं, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। करोड़ों रुपया जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर आता है, ख़ास तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहाँ लगता है, वो तो चला जाता है इनकी जेबों में। तो कई हज़ार करोड़ रुपए का गबन आप हर साल करते हैं और बात करते हैं 10,71,000 रुपए की। आप LG बड़ी हैरानी, आप LG सबको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ लूटने के लिए रखा हुआ है लोगों ने, बीजेपी की जब से हुकूमत आई है तब से ये इस किस्म के स्कैम्स हो रहे हैं, किसी को नहीं पकड़ा जाता, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम। और दिल्ली भगत से ये सब हो रहा है। एक तरफ भाजपा दावे करती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, पर वहीं पर अगर बात करें, सबसे पहले पैंथर पार्टी ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आपके गगन प्रताप जी ने भी उठाई थी आवाज़, कि जिस तरह से फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स अगर कहीं घोटाले का अगर सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा तो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का, लगातार कमेटी का गठन हुआ, कमेटी सबमिट भी हुई, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी पहुंची, अब रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। अब रिपोर्ट में क्या है, वो कहाँ अटकी है, बच्चे लगातार परेशानी के आलम में हैं, लगातार वो सड़कों पर उतरते हैं पर कोई सुनवाई नहीं, रिपोर्ट कहाँ, ये समझ में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चाहे वो फायर सर्विसेज की बात हो, चाहे वो जो दूसरी भर्तियाँ हुई है महकमों में, आप अच्छे तरीके से जानते हैं पुलिस में जब भर्तियाँ हुई तो कहा 30-30 लाख रुपया, CBI ने कहा, हमने नहीं कहा, अभी नीट का CBI ने कहा 25-30 लाख रुपया, फिर उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट की उसमें भी कहा 30-30 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है, किसको पकड़ा गया, 2,100 करोड़ रुपया उसमें इकट्ठा हुआ। इंजीनियरिंग का हुआ, उसमें भी कहा गया कि 30-30 लाख रुपया है, पहले तो मानते नहीं थे सरकार में लोग, जब नौजवानों ने सबूत पेश किए तो मानना पड़ा, और फिर CBI जब आई मैदान में तो CBI ने कहा 25-30 लाख रुपया, किसी को नहीं पकड़ा गया। और अब क्या है, अब BJP दोबारा जीती है ना, अब रेट 30 लाख से 40 लाख हो गया है, क्योंकि नीट के जो पर्चे अभी बिल्कुल वो 32 से 40 लाख, उसमें ये कहा गया है कि 32 से 40 लाख रुपये में वो बिके, तो एक बार एक और बार जिता दिया तो 40 लाख हो गया। अब आगे देख लीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए,
आगे अगर एक बार और ये आगे तो क्या होने जा रहा है, और हंगामा है बरपा 10,71,000 रुपए के ऊपर। मुझे बड़ी हैरानगी की बात होती है जो लोग ये चर्चा करते हैं उनके ऊपर भी, और जो ये मीडिया में और ये इतना इसके ऊपर बवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे जम्मू कश्मीर में कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, सारा पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लूट लूट के बाहर। दोष देते थे पहले पुरानी सरकारों को, लेकिन पुरानी सरकारों में मैंने कभी नहीं देखा इतना भ्रष्टाचार, ये कई सौ गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और जहाँ इन लोगों ने 30-30 लाख रुपए में पीछे 2 साल पहले जो मैंने आपको बताया पर्चे बेचे, हम भी मिनिस्टर रहे हैं, आपको हमसे भी पूछना चाहिए ना रश्मि जी, हमने भी भर्तियाँ की 35,000, लेकिन असेंबली में ये कहा गया 86 के 86 एमएलओ ने कि इस किस्म की भर्तियाँ हमने आज तक नहीं देखी, और चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई, एक भी उंगली नहीं उठ सकी, सब ने एक स्वर में कहा कि इतनी पारदर्शिता से आज तक कभी भी सिलेक्शंस नहीं हुई हैं। एक वो दौर भी था, तो अब लोग खुद फैसला कर लें कि किस किस्म की हुकूमत उनको चाहिए। असेंबली इलेक्शंस का कहने के बिल्कुल बच चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब जिस तरह के हालात हैं, किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को देखते हो, और किस तरह से तैयारी है पैंथर पार्टी की इस असेंबली इलेक्शन? देखिए हम तो लोगों के मुद्दे लगातार रश्मि जी उठा रहे हैं, हमारी गरीब पार्टी है और ज़्यादा पार्टी गरीब और अमीर होती है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए ना, उनके दफ्तर भी 5 स्टार जैसे हैं, पैसा खूब है, सत्ता में है ना, पैसा मनी और मसल पावर का जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास नहीं है। लेकिन लोगों के लिए लड़ने का जज्बा हमारे अंदर है जो उनमें नहीं है। लोगों के लिए हम खड़े होते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों का एक एक मुद्दा हम उभार रहे हैं। और पिछले कुछ अरसा से हम जगह जगह जा रहे हैं, गांव गांव में घूमकर लोगों की समस्याओं को जो है वो सुन भी रहे और उनका समाधान करने के लिए पूरे प्रयास। हाल ही में एक वीडियो अपलोड हुआ है, एक छोटा वीडियो हमने देखा, आप ना गुडाई कर रहे हैं किसी किसान की वहाँ जाके, वो वीडियो बड़ा सोशल मीडिया की सुर्खियाँ, और किसी ने लिखा है कि एक एक्स मंत्री क्या लग, ऐसे कभी देखा है उनको ये गुडाई करते हुए? हाँ बिल्कुल, हम तो गरीबों के साथ हैं, मैं खुद एक मज़दूरों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ। मज़दूर के लिए काम करने में मेरी जो अंतरात्मा है उसको खुशी होती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। असेंबली इलेक्शन में एक के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए जब भी कोई मसला उठाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयारी? बिल्कुल तैयारी है, बहुत तैयारी है, बिल्कुल हम तो तैयार हैं। अब इलेक्शन ये करवाएं, इलेक्शन करवाने वाले भी तैयार होने चाहिए, वो कभी ना कभी कोई जिस तरह का माहौल है ये किसे क्या, आखिर किस वजह से इस तरह का जम्मू का माहौल हो रहा है, ख़राब करने का प्रयास कर किया जा रहा है, कौन है जिम्मेदार? देखिए इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रदर्शन होते हैं अक्सर, लेकिन जिन्हें माहौल ठीक करना है उनके 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 बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए, उनको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जब अपोजिशन में थे कि ये घुसपैठ कैसे होती है, और वो खुद ही कहते थे कि घुसपैठ इसलिए होती है क्योंकि दिल्ली कमज़ोर है, और वो कहते थे जब हम बैठेंगे तो पाकिस्तान नज़र उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। आज क्या हो रहा है, मुझे तो उनकी छाती पे शक हो रहा है। आप वो कहते थे 56 इंच की है, वो तो अभी है, तभी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ ली है ना सर। नहीं देखिए इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना एक बात है, लेकिन मुल्क के अंदर हालात सामान्य करना जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं हो पाए। जम्मू में पहली बारी इतना आतंकवाद फैला है, वो कहते हैं कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है और जम्मू में टेररिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म वहाँ टेररिज्म वहाँ। जम्मू को क्या मिला, जम्मू ने आपको वोट दिए और जम्मू को हासिल क्या हुआ है? जम्मू में आतंकवाद इतना हो गया जितना पहले कभी नहीं था, और मासूमों की जाने जा रही हैं। आपको जवाब देना है, सिर्फ पाकिस्तान को गाली देने से काम थोड़ा चलेगा, पाकिस्तान तो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है और ये करता रहा है। अब रोकना आपकी जिम्मेदारी है, घुसपैठ रोकना आपकी जिम्मेदारी है, जो आप खुद कहते थे। और अब जम्मू में माहौल बनाकर ऐसे कहा जा रहा है कि इलेक्शन को टालने की कोशिश की जा रही है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्थिति में नहीं है कि इलेक्शन में उतर सके लोगों के साथ। उनके नेता तो कहते हैं पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हरी झंडी दिखाने का देर है, तो हम तो रणभूमि में उतर जाएंगे। नहीं देखिए, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने में क्या है, करना जो है कर्म अपना कुछ करके दिखाइए ना, कुछ लगना भी चाहिए, कुछ दिखना भी चाहिए कि आप कर रहे हैं। कहने में तो सब कुछ कहते हैं। आपको लगता है डिलेइंग टैक्टिक्स है कि इलेक्शन को डिले किया जाए? देखिए बिल्कुल टैक्टिक्स है, इसलिए मैंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हुआ था चीफ जस्टिस मोदी की कोर्ट में, और मैंने वहाँ ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को जानबूझकर टाला जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरी निज़ाम से वंचित रखा जा रहा है, जो हमारे संविधान का उल्लंघन है और हमारे जमहूरी अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को तस्लीम किया और 30 सितंबर तक इनको इलेक्शन कराना का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरजीत सिंह फार्मा मंत्री, और बड़ी बेबाकी से हर सवाल को रखते हैं इन्होंने। साफ तौर पर कहा, सवाल उठाया है कहीं ना कहीं कि घाटी में बढ़ता जा रहा है टूरिज्म, और जम्मू में अगर बात करें जम्मू संभाग की, कुछ ऐसी लगातार वारदातें और ये टेररिज्म की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और फिलहाल वही कह रहे हैं हरजीत सिंह ने सवाल किया कि कहीं ना कहीं कि डिलेइंग टैक्टिक्स है इलेक्शन को डिले करने के, ताकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। पर वहीं पर अगर बात करें तो जिस तरह से हरदेव जी ने कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में पैंथर पार्टी पूरी तरह से तैयार है जनता के लिए लड़ने के लिए, जनता के अधिकारों के लड़ने के लिए। वैसे भी हमेशा आपने देखा होगा हरदेव सिंह जी हमेशा हर छोटे बड़े मुद्दे के लेकर जनता के साथ शाना बशाना खड़े हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, चाहे घोटालों का मुद्दा हो, चाहे अन्य कोई जनता का मुद्दा हो। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर में जो भाजपा दावे कर रही है 50 पार का लक्ष्य और भाजपा का होगा सीएम, क्या वो दावों पर खरे उतरे थे या दावे ही रह जाते हैं। फिलहाल ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।